ورحمة الله وبركاته. سورة التوبة آية نمبر 49. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومنهم और उनमें से बाज मन वो है यकूलु जो कहता है इदन आप इजाज़त दीजिए ली मुझे वला तफ्तिन्नी और मुझे फितने में ना डालिए अला खबरदार फिल फितनती फितने में सकतु वो गिर चुके हैं व इन्ना और बेशक जहन्नामा जहन्नम लमुहीतुन अलबत्ता वो घेरे हुए हैं बिल काफिरीन काफरों को इन अगर तुसिब का आपको पहुंचती है हसनतुन कोई अच्छाई तसुब हम इनको वो बुरी लगती है व इन और अगर तो सिब का आपको पहुंचती है मुसीबत कोई मुसीबत यकूलु वो कहते हैं कद यकीनन अखदना हमने ले लिया अमराना अपने मामले को मिन कबल इससे पहले व यतवल्लु और वो फिरते हैं वहुम फारिहून इस हाल में कि वो खुश होने वाले होते हैं वमिनहुम मन यकूलु दल्ली और उनमें से बाज़ वो हैं जो कहते हैं मुझे इजाज़त दे दो वला तफ्तिन्नी और मुझे फितने में ना डालो अला फिल फितनति सक़तु खबरदार फितने में तो वो वाक़े हो चुके हैं व इन जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन और बेशक जहन्नम अलबत्ता काफरों को घेरे हुए है इन तुसिब का हसनतुम तसुहुम और अगर आपको कोई अच्छाई पहुँचे तो इनको बुरी लगती है व इन तुसिब का मुसीबत हुई और अगर आपको कोई मुसीबत पहुँचे यकूलु कद अखदना अमरना मिन क़ब्ल कहते हैं यकीनन हमने अपने मामले को इससे पहले ही समेट लिया व यतवल्लु वहुम फरिहून और वो मुड़ते हैं इस हाल में कि वो खुश होने वाले होते हैं मुनाफिकीन में एक शख्स था जद बिन कैस ये एक कबीला था अरब का बनू सालिमा ये उसका सरदार भी था तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा कि क्या तुझे ऊँटनियों के अंदर रगबत है क्योंकि मुनाफिक किस्म का आदमी था और इसके बारे में आता कि ये बखील भी परले दर्जे का था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुनिया का लालच भी दिया कि अल्लाह की रज़ा तो तेरे दिल में नहीं तो आपने इसको कहा कि क्या ऊँटनियाँ लेने की तरफ तेरी रगबत है अगर तेरी रगबत है तो चल हमारे साथ रोमियों के साथ जो जंग है उसमें निकल तो ये मुनाफिक आदमी था इसने पीछे रहने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब बात कह दी कहने लगा कि मेरी कौम वालों को पता कि मैं औरतों के मामले में बड़ा कमज़ोर हूँ मैं अपने नफ्स पे काबू नहीं रख सकता तो आप इस तरह कीजिए मुझे ना ही लेके जाए क्योंकि ये जो रोमी लोग हैं ना गोरे मैं जब इनकी औरतों को देखूंगा तो मेरे से सब्र नहीं हो सकेगा तो मैं फितने में वाकई हो जाऊंगा तो आप मेहरबानी करें मुझे ना ही लेके जाए अल्लाह ताला ने उसके बारे में ये आयत उतारी वमिनहुम मन यकूल उदल्ली इनमें से बाज़ वो हैं जो कहते हैं मुझे इजाज़त दे दो वला तफ्तिन्नी और मुझे फितने में ना डालो यानी औरतों के मामले में मुझे फितने में ना डालो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अला फिल फितनति सक़तु फितने में तो तुम वाकई हो चुके हो नबी की नाफरमानी करके निफाक इख्तियार करके और अजीम जंग से पीछे रह कर फितने में तो तुम पड़ गए पता नहीं वहाँ पर जाकर कोई औरत तुम्हारे सामने आती है कि नहीं आती वहाँ फितना बनता है कि नहीं बनता लेकिन यहाँ फितने में तुम मुब्तला हो गए कि नबी की बात से तुमने कैसे जान छुड़ाई
नबी की जान से ज़्यादा तुमने अपनी जान को अज़ीज़ समझा, फितने में तो गिर गए तुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी बात सुनी, आपने मुंह फेर लिया, आपने फरमाया ठीक है तुझे इजाज़त है। अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी। इस आयत मुबारका में एक तरबियती पहलू ये है कि इंसान को बाज़ दफ़ा नेकी के कामों से पीछे रहते हुए किसी घटिया किस्म की, फजूल किस्म की चीज़ का बहाना लगाता है। ये चीज़ जो है हमें सोचना चाहिए कि ये वतीरा किनका था, नेकियों से पीछे रहने के लिए ऐसी चीज़ का बहाना बनाना कि जो चीज़ है ही नहीं। अब पता नहीं औरतों के मामले में ये ऐसा था कि नहीं था, लेकिन असल ये उसका बहाना था, वो पीछे रहना चाहता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त देना चाहता था, इस तरीके से उसने इजाज़त दे दी। وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, और काफिरों को जहन्नम घेरे हुए हैं, यानी ये काफर हैं, ये निकल नहीं सकते। दूसरी आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक फितरत का जिक्र किया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों के दुश्मन थे। अगर ईमान वालों को कोई अच्छाई पहुँचती, यानी फतह मिलती, कोई कामयाबी मिलती, कोई खुशी मिलती, तो इनको इसकी बड़ी तकलीफ़ होती। जिस तरह आज दीनदार लोगों को खुशी मिले ना, तो एक तबका है जिसको ऐसी तकलीफ़ होती रहती है। एक तो है ना काफिर, उनकी तो बात ही छोड़ें, लेकिन एक ऐसा तबका है कि जिसको खामखा दीनदार लोगों की खुशी अच्छी नहीं लगती। वो दीनदार मौलवी हों के गैर हों, जो भी दीनदार है उनको इनकी खुशी अच्छी नहीं लगती। वह इन तुसीब का मुसीबा, और अगर आपको कोई मुसीबत पहुँचे, कोई परेशानी आ गई किसी भी तरह की, तो क्या कहते हैं, यकूलु कद अखदना अमरना मिन कबल, कहते हैं देखा हमने बड़ी एहतियात की, हम तो पहले पीछे रहे थे, हमने एहतियात की कि हम इनके साथ नहीं निकले। जिस तरह के गज़वा ओहद के लिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक शौत मुकाम से वापस आ गया, 300 बंदे भी अपने साथ वापस ले आया। जब 70 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए ना, तो ये कहने लगा देखा मैं इसीलिए भांप गया था इस मामले को, इसीलिए मैं अपने अपने साथियों को वापस ले आया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उस कैफियत का जिक्र किया। भाई इन तुसिब का मुसीबत है, यकूलु कद अखदना अमरना मिन कबल, अगर आपको मुसीबत पहुँचे तो कहते हैं अच्छा हुआ हम पहले मोहतात हो गए थे। इसी तरह जब रूमियों के ख़िलाफ़ जंग थी ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया इनमें से कोई ना निकला। लेकिन जब इनको ये पता चला ना कि मुसलमानों को फतह मिली, मुसलमान सही सलामत वापस आ गए और रोमी मुकाबले में आए नहीं, इनको बड़ी परेशानी हुई, बड़ी तकलीफ़ हुई इनको कि ये क्या हो गया, हम तो कहते थे रोमी इनको कुचल के रख देंगे, ये तो बच के आ गए, इनका कुछ भी नहीं हुआ। वइन तुसिब का मुसीबा, और अगर आपको कोई परेशानी पहुँचे, तो आगे से कहते हैं देखा हम मोहतात थे, हम इसीलिए साइड पे हो गए। वह तवल्लो वहम फरीहून, मुँह मोड़ते हैं इस हाल में कि वो खुश हो गए। इस आयत मुबारक में तरबियती पहलू हमारे लिए ये है, अपने मुसलमान भाई की परेशानी पर खुश होना और उसकी खुशी पर परेशान होना, ये मुसलमान का वतीरा नहीं। मुसलमान मुसलमान के लिए खैरखा होता है, ये मुनाफिकीन की आदत है कि मुसलमानों की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी और मुसलमानों के दुख में वो शरीक नहीं होते थे। हमें भी चाहिए अपने माशरे में रहते हुए अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारियाँ इन सब मामलों के अंदर खुशी गमी का ख्याल करें। अगर खुशी है तो उनकी खुशी में शरीक हों, अगर गमी है तो उनकी गमी के अंदर शरीक हों। ऐसा ना हो कि हम किसी की खुशी में गम डालें और किसी के गम के अंदर अपनी खुशियाँ मनाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।